नमस्कार, मैं रचना शर्मा चंडीगढ़ एम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर किसान संगठनों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। पंजाब चुनाव परिणाम और देशव्यापी किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने नरमी दिखानी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार अभी भी उन किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तोमर ने कहा है कि हम प्रदर्शनकारी किसानों के लगातार संपर्क में हैं। भारत सरकार बिंदु दर बिंदु कानूनों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि कल के रेल रोको अभियान को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मुंबई और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से समर्थन मिला है। दर्शन पाल ने कहा है कि किसानों ने केंद्र को बता दिया है कि किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा चुका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में किसान महापंचायतें की जाएंगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून रद्द होने तक घर वापसी नहीं होगी। टिकैत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर फसल को जलाकर बलिदान भी करना पड़ा तो भी किसान पीछे नहीं हटेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब इसमें खुले तौर पर राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस द्वारा बीते कुछ दिनों में अलग अलग किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर से किसान पंचायत करने जा रहे हैं। शुक्रवार को होने वाली यह महापंचायत जयपुर के चाकसू तहसील के कोटकवाद में होगी और सचिन पायलट ने इससे पहले भी दाता भरतपुर में किसान महापंचायतों का आयोजन किया था। आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है जो दोपहर 3 बजे होगी। कैबिनेट की अहम बैठक में बजट और चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किसान आंदोलन तथा और भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। पंजाब के फरीदकोट जिले में यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरलाल को गुरुवार शाम 2 बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब के डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि जघन्य कांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे लिए दीक्षांत समारोह को हिस्सा बनना प्रेरक है। पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शिवाजी उत्सव नाम से कविता लिखी थी और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि गुरुदेव टैगोर ने जो एकता का संदेश दिया उसे कभी न भूले। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। नई दवा का नाम भी कोरोनल ही है। पतंजलि का कहना है कि कोरोनल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने सतीश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। गांधी परिवार के करीबी रहे कैप्टन सतीश शर्मा की अंतिम यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और उन्होंने सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ में लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी में है। इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया गया है। इन शहरों को लेकर लाइट मेट्रो के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार की जा रही है और मंत्रिमंडल की तरफ अप्रूवल मिलने के बाद केंद्र सरकार को डीपीआर भेजा जाएगा। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।